हेलो, राम राम भाई सारे चीते सोरे ने। तो भाई मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश बॉक्सर पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आशा करते सारे भाई अपने बढ़िया होंगे। तो भाई फिर की लोकेशन हमारी जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे 05। तो भाई इस हाईवे पर खड़े हैं आप, और जो सेम लोकेशन है रुखी गांव की है, और ये लोकेशन शायद आपको समझ में भी आ जाएगी। बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे मेन कैरिज वे है भाई, वो अपना वो सीधा जम्मू और पंजाब की तरफ गया है, वो सीधा हरियाणा को होते हुए दिल्ली में एंट्री हो गई है। ये यहाँ से घूमना हुआ हमने सामने दिख रहा होगा आप लोगों को, टोल टैक्स का काम है चल रहा है वहाँ पे। वो फिलहाल ये यहाँ पे चल रहा है आरीवाल का काम। तो इसका अभी ये जो फ्लाईओवर है इसका काम अभी पेंडिंग में है। तो आज ये व्लॉग में ये दिखाएंगे पेंडिंग में क्यों है अभी ये। आरीवाल का भाई अपना काम चालू है, बेल्ट वगैरह लगा रहे हैं अभी। यहाँ पे मिट्टी सोइल फिलिंग हो रही है, ये देख सको आप सामने बेल्ट लग रही हैं। तो अभी फिलहाल इसमें मिट्टी कम से कम भी वहाँ तक लेवल में जाएगी, अभी मिट्टी इसमें काफ़ी लेवल तक आनी है। यहाँ पे मिट्टी थोड़ी ज़्यादा लेवल में हो रही है, यहाँ से मिट्टी काट कर वो ऑपरेटर हैं, ये देख सको एक एक डेढ़ डेढ़ मीटर यहाँ तक कट गए और यहाँ डाल रहे हैं मिट्टी। और मिट्टी का जो इनका जहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं वहाँ फिलहाल अभी मिट्टी का काम बंद है। और ये सामने इनका प्लांट है, ये सामने यहाँ पर कंक्रीट वंक्रीट, और ये CDS इंफ्रा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। आरी वाला काम दिखाता हूँ आपको, वहाँ पर ग्रेडर भी साइड पर खड़ा कर रखा है और एक्सावेटर भी साइड पर खड़ी है, ठीक है। तो ये पैनल का काम इनका चालू है, वैसे क्वालिटी बढ़िया है। बेल्ट का काम दिखाता हूँ मैं आपको, ये कपड़ा इसलिए लगाते हैं भाई, ये जो कपड़ा है ना ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ताकि बारिश आओगी इसके अंदर पानी आ जाएगा, पानी छलनी होगा ऑटोमेटिक पानी निकल जाएगा, जो ये हमारी मिट्टी की फिलिंग हो रखी है ना इसकी कटिंग ना होए, इसलिए हम इस कपड़े को लगाते हैं। और ये बेल्ट है, ये बेल्ट इसलिए लगाते हैं ताकि इसके अंदर एक बेल्ट के अंदर है ना एक मोल्ड है, उसको ऐसे जकड़ गए और ये यहाँ पर फिट हो जाएगी परमानेंटली, ताकि इस पैनल को इधर खिंचाई इधर, मतलब इस पैनल को इधर खींच बनी रहे, उधर आउटर ना भागे, नहीं तो ये सारे निकल के भाग जाएंगे और जब गाड़ी आएंगी तो वो गाड़ी नीचे पाऊँगी पड़ी। तो इसलिए ये काम है, काम बाकी बहुत अच्छा हो रहा है भाई, क्वालिटी का काम है। वहाँ जाकर मैं ना दिखाता हूँ आपको, ठेकेदार आरीवाल का काम कब तक कर दोगे कंप्लीट है? दो दिन है, दो या तीन दिन है। मिट्टी तो अभी और फिल करनी होगी इसमें, मिट्टी की वजह से लेट हो रहा है। फिर अभी पानी है ना बोर एरिया में, तो पानी खड़ा है। ये ठेकेदार है भाई, मिट्टी की वजह से लेट हो रहे हैं, बोर एरिया में पानी खड़ा है बहुत ज़्यादा। तो ये समझ में ही आ गया होगा, ये अपना भाई रोहतक गोवाना जम्मू दिल्ली। ये है ग्रेडर अपना, ये ग्रेडर मिट्टी का एक लेवल करने के लिए होता है। तो आरीवाल में स्पेशल बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस मशीन की और उस मशीन की, ग्रेडर एक्सकैवेटर। ये
ये देख लो बिल्कुल एक लेवल कर रहा है पीछे से मिट्टी का। तो भाई फिलहाल अपना मेन कैरिज भी तो 95% तैयार हो गए, पर बाकी जो अपना ये घूमने वाला पोर्शन है वो अभी पेंडिंग में है। तो को भाई अभी ना आवे तो बेटर है, क्योंकि इसमें लग जाएगा मैक्सिमम एक डेढ़ महीना तो लगना ही है, कह रहे हैं टीम यहाँ की CDS इंफ्रा। देखो भाई यहाँ पर 2 मिनट चलाया ही, बिल्कुल यहाँ का एक लेवल कर दिया इसने। इसका बेनिफिट ये है इस मशीन का, ये जो ब्लेड दिख रहा है ना आपको, ये मिट्टी को काट के बिल्कुल बराबर कर देता है। देखने में लुक देख लो यहाँ का। ये जो बेल्ट है ये रोकने के लिए यहाँ गुल्ली मारनी पड़ती है, जैसे कि ये गुल्ली है ऐसे खींच के। यो क्रियाक्रम करना पड़ा रहा है, यो इसमें ऐसे लगाना पड़ेगा। दिखाइए एक बार कैसे लगाना पड़ता है। यो ये ऐसे लगाने पड़ेंगे दोनों, ये यू बना रखे हैं भाई इन्होंने, इसमें ठोक देंगे ताकि ये बेल्ट वहाँ से टाइट हो जाएगी। और बेल्ट टाइट रहेगी तो जो पैनल है वो उस साइड नहीं भागेगा। बिल्कुल रिपोर्ट अपनी ग्राउंड रिपोर्ट वाली वीडियो भाई देख सको आप। ये टाइट हो जाएगी भाई फिर बाद में। तो भाई वीडियो में पहले ही बता दिया, रोबोर बता देता हूँ, वो है मैन कैरिज। तो ये अपना ऐसे टर्न लेने का है ना, जो वहाँ पे टोल है, टोल देकर उतरना पड़ेगा यहाँ से। ये इसके साथ साथ में सर्विस रोड है, आपने दिख रहा होगा नीचे से, ये वाला सर्विस रोड है। उस साइड में दिल्ली है, वहाँ से उतरोगे आप तो उतर गए, ये ऐसे जाओगे तो ये सीधी रोहतक में एंट्री हो जाएगी आपकी, ठीक है। और गोवाना से कोई साधन आ रहा है तो वो ऐसे रोहतक जाने की बजाय वो इस रोड पर चढ़ना चाह रहा है तो वो उधर से आगे, उधर से भी सर्विस रोड है अपना, उधर से भी चढ़ सकता है आराम से। वहाँ टोल देना जरूरी है, लेकिन उतरने का भी या चढ़ने का भी इस रोड पे एंट्री हो जाएगी। ये लोकेशन समझ में आ गई आपको अच्छे से,
बाकी इस फ्लाईओवर का भी काम बाकी है, तो कृपा करके यहाँ पर भाई कोई अपना साथी ना आए तो भी बेटर है। तो आज की वीडियो भाई हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो भाई आशा करते हैं अपनी वीडियो आपको पसंद आएगी। फिलहाल लोकेशन आपको बता दिए जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की अपनी लोकेशन। तो भाई सारे भाई वीडियो पे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, और भाई कमेंट करके कमी बता दिया रो, और ये भी बता दिया करो अगली वीडियो किस टॉपिक पर आनी चाहिए, उसी टॉपिक पर हम अपनी अगली वीडियो रख देंगे। तो भाई राम राम है सारे भाई जाना।